फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष गुप्ता की किचन। आजकल देश में कोरोना छाया हुआ है, तो कोरोना को ख़त्म करने के लिए सब जगह कहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए। उस इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए मैं एक सूप बनाने जा रहा हूँ, जो समर के लिए स्पेशल सूप है। ये ठंडा सर्व किया जाता है, समर में सूप ठंडा सर्व किया जाता है, इसको आप ठंडे ही पीजिए। और इसमें ऐसी ऐसी चीजें डाल रहा हूं मैं जो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगी, तो आशा करता हूं कि आप इसका एंजॉय करेंगे। तो इस सूप को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इस सूप को बनाने के लिए हम जिन चीजों का इस्तेमाल करेंगे उसमें कैप्सिकम, मिंट लीव्स, गार्लिक, कुछ बेसिल लीव हैं, सॉल्ट, कुकुम्बर, अनियन, ब्लैक पेपर, टमाटो एंड ब्रेड। ब्रेड इसको बाइंड करेगी। इन सब चीजों से मिला के हम एक सूप बनाएंगे तो जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। सबसे पहले हम एक जार लेंगे मिक्सी का। इसमें हम जो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल रहे हैं। देखिए, ये मैं खीरा डाल रहा हूँ। खीरा वैसे ही बहुत ठंडा होता है और ये आपके पेट को ठंडा रखेगा। ये ले लिया मैंने खीरा। दूसरी चीज मैंने ली टमाटो, रॉ टमाटोज। ये देखिए, अब मैंने इसको डाल दिया। इस पे लिए मैंने बेसिल के पत्ते, कुछ तुलसी के पत्ते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये लिया है मैंने गार्लिक, ये कुछ मेरे से और पड़ा है, मैं और डाल लेता हूं। ये डाला मैंने मिंट लीव्स, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये डाला मैंने कैप्सिकम। आप चाहे तो रेड बेल पेपर भी डाल सकते हो और येलो बेल पेपर भी डाल सकते हो। ये डाली मैंने ब्रेड, ब्रेड इसको बाइंड करेगी, इसलिए मैं ब्रेड ले रहा हूं। ये लिया मैंने सॉल्ट, सॉल्ट मैंने टेस्ट के हिसाब से लिया। ये लिया मैंने ब्लैक पेपर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डालेंगे अनियन। ये भी मैंने कच्चा कटा हुआ है बड़ा बड़ा। ये हमने सब इंग्रेडिएंट जार में डाल दिए हैं। अब इसको हम मिक्सी में रखेंगे। थोड़ा हम पानी डालेंगे ताकि सारी चीजें आपस में मिल जाएं। अब इसको मिक्सी चला देंगे। इसमें हम सूप को सर्व कर सकते हैं। ये 3 से 4 आदमी के लिए, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है। अभी देखिए मैंने इसमें निकाल लिया और देखिए दरदरा सा ये बन गया है। ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी रहती है, ये ज़्यादा पतला नहीं होता। अब ये बन गया। अब इसकी हम गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए मैंने ब्रेड क्रूटॉन्स लिए हैं। इसके लिए आपको सिंपल ब्रेड, ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसको डाइस में काटना है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे काटिए
और फ्राई कर दीजिए तेज आंच पे, ये ऐसे बन जाएंगे। अब इसके ऊपर हम ये क्रोटॉन्स गिरेंगे। ये हमारा सूप रेडी हो चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल ठंडा सूप है, कुकुम्बर पड़ा है, टमाटो पड़ा है, मिंट पड़ा है, बेसिल पड़ा है, जो ठंडे हैं नेचर में, तो उसके लिए सूप बहुत बेस्ट है और आपकी इम्यूनिटी पावर को भी ये बढ़ाएगा। होप करता हूँ आपको ये सूप पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और मेरे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए, मैं उसको भेज दूंगा। Thank you.